जब भी किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बॉडी में कई सारे टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें क्रिटिनाइन सबसे ज्यादा बढ़ता है और यही सबसे खतरनाक होता है। जैसे जैसे क्रिटिनाइन स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे किडनी रोगी की समस्याएं भी बढ़ने लग जाती हैं। बढ़ते हुए क्रिटिनाइन को देखते हुए अक्सर कई किडनी रोगियों का ये सवाल होता है कि आखिर क्रिटिनाइन का कितना बड़ा हुआ स्तर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब दूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि जब क्रिटिनाइन स्तर बढ़ता है तो रोगी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में कितना क्रिटिनाइन होता है। तो एक स्वस्थ एडल्ट मेल की बॉडी में 0.7 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिटिनाइन नॉर्मल होता है। एक एडल्ट फीमेल की बॉडी में 0.5 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिटिनाइन नॉर्मल होता है। बच्चों के बारे में बात करें तो 0.5 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिटिनाइन नॉर्मल होता है और जिन लोगों के पास जन्म से ही एक किडनी होती है उनका नॉर्मल क्रिटिनाइन लेवल 1.8 या 1.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इसके आसपास तक हो सकता है। ज्यादा एक्सरसाइज करने, जिम करने, बीमार होने या गलत खान पान की वजह से कई बार क्रिटिनाइन स्तर सामान्य से बढ़ के 2 या 3 तक भी पहुंच जाता है, जो कि अपने आप बाद में नॉर्मल भी हो जाता है। जब क्रिटिनाइन स्तर 3 या इससे ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब आपकी किडनी से जुड़ी समस्याएं शुरू हो चुकी हैं और अब आपकी किडनी 60-70% खराब हो चुकी है। इसलिए अब क्रिटिनाइन 3 से जैसे ही बढ़े आपको अपना आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब क्रिटिनाइन बढ़ता है तो रोगी को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान रोगी को बॉडी के कुछ हिस्सों में सूजन आने लगती है, गंददार यूरिन आने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कपकपी के साथ बुखार होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, यूरिन में खून और प्रोटीन का आना शुरू हो जाता है। काफी बार तो रोगी बेहोश भी हो जाता है, बार बार उल्टी आने लगती है, अचानक कमजोरी आ जाती है, पेट में दाई या बाई और असहनीय दर्द होने लगता है और ऐसा तब होता है जब किडनी रोग काफी गंभीर हो जाता है। इन सभी समस्याओं के अलावा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका एक एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है मरीज का? इसका एके पांडे। अच्छा, कौन है आपके? मेरे छोटे भाई है। पहले क्या दिक्कत आ रही थी? पहले सर उनको स्वेलिंग हो गया था और क्रिएटिन लेवल काफ़ी बढ़ गया था और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। कितना समय हो गया दवाई लेते हुए? अभी तो 3 महीना चल रहा है सर। क्या क्या फ़र्क है? फ़र्क है, काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है सर। सांस लेने की तकलीफ पूरी तरह से खत्म हो गई, बीपी भी नॉर्मल रहता है, रेगुलर चेक कराते हैं, क्रिएटिन लेवल भी अच्छा खासा कम हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत अभी तो कुछ भी दिक्कत नहीं सर, नॉर्मल जैसे एक आदमी मतलब जो बिहेव करता है वैसे कर रहा हूँ।